एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वे छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वो वहीं चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वे देखती रह गई कि वे थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वे पूरा भर गया। और गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा वे चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी तो वे एक कटोरी ही डाल कर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे, ये कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए और बुढ़िया माई ने कहा, आ जा रे गणेश खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, तब जब मेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट भर ही गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लग रही है, तो फिर मैंने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वे तो बिना भोग के ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूँ? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को ये बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते हो तो पहले ही कभी दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह उठकर वापस खोदेगी तो धन के दो चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर मेल हो गया। सुबह बहू ने पावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते दो धन के चेरे निकल गए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। गजानन जी महाराज जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले सबको देना। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।